कभी भी उसकी गवाही कबूल ना करो। वह फासिकून, ऐसे लोग बिल्कुल गए गुजरे, ऐसे लोग गए गुजरे, जिसको हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं, जो आदमी बिल्कुल बेढंगा होता है, बेशरम होता है, कहते हैं बिल्कुल गधा है। तो वह फासिकून, ये बिल्कुल गए गुजरे, और आवाम की जुबान में इसको कह दिया बल्कि ये लोग गधे, यानी कुछ भी तमीज और कुछ भी तहजीब नहीं है कि कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कोई एहसास और शोर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई तहजीब नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर ये तालीम दी है कि जो बदकारी का इल्जाम लगाता है, अगर वो चार ठोस मजबूत मोतबर गवाह नहीं लाता है तो उसको 80 कोड़े मारो। मजीद ये कि उसकी गवाही कबूल मत करो कभी, क्योंकि ये आदमी सही नहीं है, कुछ भी बोल सकता है, कभी भी बिक सकता है, कभी भी कुछ कह सकता है, इसकी जबान काबिले एतबार नहीं है, इसकी जुबान काबिले एतबार नहीं है, यह आदमी काबिले एतमाद नहीं है, भरोसे के लायक नहीं है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इतने अंदर फरमाया कि इस तरह से सबार तुम लोग सात बड़े बड़े खतरनाक गुनाहों से बचो। अल्लाह के नबी ये कहते हैं तुम लोग सात बड़े बड़े भयानक हलाक करने वाले गुनाहों से बचो। सात ऐसे गुनाह हैं जो इंसान की दुनिया व आखिरत बर्बाद करने वाले हैं, बड़े खतरनाक गुनाह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया का नंबर एक अल्लाह के साथ शिर्क करना, जान मारना, जादू करना, यतीम का माल खाना, सूद का माल खाना, मैदान जंग से भाग आना। सातवें नंबर पर अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वक़्त पाकदामन मासूम बेगुनाह मोमिना खातून पर बदकारी का इल्जाम लगाना। सातवें नंबर पर जिस गुनाह का आपने जिक्र फरमाया वो गुनाह ये है कि किसी भी नेक खातून पर बदकारी का इल्जाम लगाना। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है कि किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाए, इल्ज़ाम लगाया जाए। और इस्लाम ने इसको बहुत ही सख्त पहलू से दिया है, वो ये कि चार गवाह लाए, चार गवाह अगर नहीं लाते हैं तो फिर 80 कोड़े मार पाएंगे और मजीद ये कि उनकी गवाही कभी कबूल नहीं होगी। दुआ है हम सबको Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.